हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार और स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फियरलेस इनोसेंट मैथ पर। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि एकेटीयू का नया सेशन 2024-25 स्टार्ट हो गया है, जिसमें आप बीटेक सेकंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं डीएसटीएल के नाम से। डीएसटीएल डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक, जिसको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली मैथमेटिक्स ही है, इसको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बोला जाता है बीएससी एमएससी पोर्शन में। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर साइंस में इसको डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक का नाम दिया गया है एकेटीयू में। इसको आप बीटेक सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में सीएस के कोई भी ब्रांच है, सबके सब स्टूडेंट इसको कवर करते, चाहे वो आईटी आईओटी डीएस, ठीक है, एआई, कोई भी ब्रांच है, सब इसको पढ़ते हैं डीएसटीएल को। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको DSTL जिसका सब्जेक्ट कोड होगा BCS303, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक, इसका सब्जेक्ट कोड होगा BCS303, इसका सिलेबस, जो लेटेस्ट सिलेबस है इस सेशन को लेकर के, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका सिलेबस है क्या और कितनी यूनिट में डिवाइड है, कैसे इसको कवर करेंगे हम, और फिर इसकी सारी वीडियोज लेक्चर्स आपको कहाँ पर अपने चैनल पर फियरलेस इनोसेंट मैथ पर मिल जाएगी। ये सब चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज की वीडियो में, यानी कि ये कह लीजिए डीएसटीएल के लिए थोड़ा सा ओवरव्यू हो जाएगा। इसको देखने के बाद आप डिटेल्स में यूनिट वाइज सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और हम चलते हैं डीएसटीएल यानी कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक के सिलेबस पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक, जिसको आप डीएसटीएल कहते हैं, और इसका सब्जेक्ट कोड है BCS303। ये आप जानती है कि हर सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के 5 यूनिट में आपका सिलेबस डिवाइड होता है, सेम तरीके से यहां पर भी आपका सिलेबस जो है 5 यूनिट में डिवाइड है। ठीक है, अब सिलेबस की बात कर लेते हैं कि पांचों यूनिट्स है कौन कौन सी, डिटेल सिलेबस में जाएंगे। ठीक है, जिसमें यूनिट वन आपका, यूनिट वन का नाम होता है सेट थ्योरी एंड रिलेशंस और पोसेट्स एंड लैटिसेस। ठीक है, दो पोर्शन में यूनिट वन डिवाइड है, जिसमें हम आधी यूनिट में सेट थ्योरी और रिलेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं और आधी यूनिट में पोसेट और लैटिसेस को बनाना सीखते हैं। ठीक है, इसमें कवर करते हैं हम इंट्रोडक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेट्स, रिलेशंस, डेफिनेशंस, ऑपरेशंस, ओन रिलेशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, कंपोजिट रिलेशन, इक्वलिटी ऑफ रिलेशन, रिकर्सिव रिलेशन, ऑर्डर ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन से रिलेटेड ये सब चीजें हम कवर करते हैं यूनिट वन में। फिर हम रिलेशंस का ही यूज करते हैं कोसेट का, और फिर हम हैसे डायग्राम कोसेट ये डिफाइन करते हैं रिलेशन से, और डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ लैटिसेस, बाउंडेड, कम्प्लीमेंटेड, डिस्ट्रीब्यूटिव मॉड्यूलस और कंप्लीट लैटिसेस, ये सब लैटिसेस हम यूनिट वन में ही कवर करते हैं। तो यूनिट वन के बाद हमारी दूसरी यूनिट पर हम चलते हैं। दूसरी यूनिट भी इस तरीके से दो हिस्सों में डिवाइड है, आधी यूनिट में आप फंक्शंस पढ़ेंगे, आधी में आप बूलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे। ठीक है, तो फंक्शंस में हम कवर करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, ऑपरेशन ऑफ फंक्शन, ग्रोथ ऑफ फंक्शंस, और जो फंक्शंस के बेसिक टाइप्स आपने इंटर में पढ़े होंगे, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, वो सभी चीजें यहाँ पर विद एग्जांपल्स, कंपोजिट फंक्शन, ये सब कवर हो जाते हैं इसमें। बुलियन अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन करेंगे, एक्सियोम्स पढ़ेंगे इसके बुलियन अलजेब्रा के। ठीक है, मैनिपुलेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन बुलियन फंक्शन, और फिर लास्ट में आता है के मैप, कानोफ मैप जिसको आप कहते हैं, के मैप, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन काफी बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से यूनिट टू में कवर हो जाता है आपका फंक्शंस और बूलियन अलजेब्रा। यूनिट थ्री जो कि सबसे इजी यूनिट मानी जाती है डीएसटीएल की, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की, इसमें हम प्रपोजिशन, ट्रुथ टेबल्स, टोटोलॉजी, थ्योरी ऑफ लॉजिक्स इसमें कवर करते हैं मेनली। यूनिट का नाम है थ्योरी ऑफ लॉजिक्स। ठीक है, जिसमें हम प्रपोजिशन, ट्रुथ टेबल, टोटोलॉजी, सेटिसिबिलिटी, कंट्राडिक्शन, अलजेब्रा ऑफ प्रपोजिशन, थ्योरी ऑफ इन्फेरेंस, प्रिडिक्ट लॉजिक, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर प्रिडिक्ट लॉजिक, वेल डिफाइंड फॉर्मूला फॉर प्रिडिक्ट, क्वांटिफायर्स और प्रिडिक्ट लॉजिक के लिए इन्फेरेंस थ्योरी, ये सब चीजें हम डिस्कस करते हैं थ्योरी ऑफ लॉजिक को लेकर के। ठीक है, यूनिट नंबर थ्री में, जिसमें आप प्रिडिकेट लॉजिक और थ्योरी ऑफ लॉजिक दो पोर्शन में इसको कवर करते हैं। फिर आता है यूनिट फोर, जो कि प्योर मैथमेटिक्स का पोर्शन है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स, जिसमें आप ग्रुप, रिंग, फील्ड, सब ग्रुप, ये सब चीजें कवर करते हैं, डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, सब ग्रुप, ऑर्डर, साइक्लिक ग्रुप, कोसेट, लैग्रांजी थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मल सब ग्रुप, परमुटेशन, सिमेट्रिक ग्रुप, ग्रुप होमोमोर्फिज्म, ठीक है, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग एंड फील्ड। ठीक है, तो ग्रुप को एक्सटेंड करके हम रिंग तक जाएंगे और फिर फील्ड,
ये सब चीजें हम डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 4 जिसमें अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इस यूनिट का नाम है। यूनिट 5 में आप पढ़ते ग्राफ थ्योरी, ग्राफ थ्योरी जिसमें ग्राफ से रिलेटेड हम चीजें पढ़ते हैं, और कॉम्बिनेट्रिक्स, कॉम्बिनेट्रिक्स का पोर्शन भी है इस यूनिट में। तो इसमें हम ग्राफ्स को लेकर के डेफिनेशन, टर्मिनोलॉजी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ्स, मल्टीग्राफ, बाइपार्टाइग्राफ, प्लेनर ग्राफ, आइसोमोर्फिज्म, होमोमोर्फिज्म ऑफ ग्राफ, ऑयलर एंड हैमिल्टोनियन पाथ्स और ग्राफ कलरिंग, ये सब चीजें आप ग्राफ थ्योरी में पढ़ते हैं। लगभग ये मान लीजिए कि 70% यूनिट आपकी कवर हो जाती है ग्राफ थ्योरी से। फिर आता है इसमें कॉम्बिनेट्रिक्स जिसमें मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका पिगनहोल प्रिंसिपल और काउंटिंग टेक्निक्स। तो इस तरीके से आपका पांचों यूनिट का सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें इस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की, डीएस चल की इसकी बुक की बात करते हैं, इसमें देखा जाए तो 5 अलग अलग यूनिट डिवाइड है, और वो देखा जाए तो अलग अलग बुक्स होती है, तो पर्टिकुलर बुक्स इसकी नहीं मिलती। ठीक है, मैंने जो अपनी वीडियो लेक्चर बना रखे है इसमें 3-4 बुकों को लेकर के जो बेस्ट कंटेंट है वो मैंने अपनी वीडियो लेक्चर्स में दिया है। आप देखेंगे वीडियो लेक्चर्स तो आपको फीलिंग आएगी, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई AKTU की कोई बुक मिल जाती है, एनपी बाली, एचका दास, जो भी आपको बुक मिल जाए DSTL की, तो उसको भी आप एज ए हेल्प बुक लेकर के पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर वीडियो कंटेंट मेरा आपने सारा देख लिया 5 यूनिट्स का, तो आपको बुक की कोई नीड नहीं होगी, उसी से आपको नोट्स बनाने हैं और वही आपको तैयार करना है। प्रीवियस ईयर के आप पेपर उठा के देख लीजिए, एक एक चीजें आपको वीडियो से मिल जाती है। अब इन 5 यूनिट की जो प्लेलिस्ट है वो आपको कहां पर मिलेगी, उसके लिए आपको जाना होगा आपके अपने चैनल पर, और आपका चैनल का नाम आप जानते ही है फियरलेस इनोसेंट मैथ। ठीक है, आप अपने चैनल पर जाएंगे तो उस तरीके से आपको दिखाई देगा, ये उसका होम पेज है। ठीक है, होम पेज पर जाने के बाद आपको DSTL की 5 यूनिट फाइंड करनी है, स्क्रोल डाउन करना शुरू कर दीजिए। पहले मिलेगा फॉर यू सेक्शन, ठीक है, फिर मिलेगा वीडियोज का सेक्शन, जो मैं अपलोड करता हूँ वो वीडियोज आपको यहाँ पर दिखाई देगी। फिर आपको पॉपुलर वीडियोज का सेक्शन जिसपे ज्यादा व्यूज रहते हैं वो वीडियोज दिखाई देगी। फिर आपको मिलेगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का सेक्शन जिसमें 5 यूनिट यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जो आपने पढ़ी भी होगी अगर आपने मेरे चैनल से कवर किया था। तो मैथमेटिक्स 4 की 5 यूनिट आपको मिल जाएगी, इस पे क्लिक करेंगे तो 5 यूनिट आपको मैथमेटिक्स 4 की मिलेगी, जो सेकंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं, फोर्थ सेमेस्टर में भी पढ़ते हैं। और लास्ट में आपको ये देखने को मिलेगा DSTL BCS 303 2024-25 डिस्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का सेक्शन, जिसमें आपको 5 यूनिट सिक्वेंसली मिल जाएगी। ये आपकी DSTL की यूनिट 1 है, ये DSTL की यूनिट 2 है, ये DSTL की यूनिट 3 है। यहां पर क्लिक करना है आपको, यहां पर क्लिक करेंगे तो DSTL की यूनिट 4 मिलेगी और DSTL की यूनिट 5 मिलेगी, और इसके नीचे ये आपको मिल जाएंगे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के, हाँ यहाँ पर आपको डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की पुरानी प्लेलिस्ट है जिसकी बैक वगैरह है वो इससे कवर कर सकता है। यहाँ पे सिलेबस का कोड है आपका KCS303, तो ये बैक वालों के लिए, इन 5 यूनिट को आपको पढ़ना है 24-25 सेशन को देखते हुए। इसके नीचे बैक वालों के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, जो पिछले साल पुराना सिलेबस था, अगर किसी की बैक है तो यहाँ से कवर करेगा। ठीक है, और इसमें मैं एक सेक्शन और बना दूंगा, एक प्लेलिस्ट और बना दूंगा जिसमें कि वन शॉट रिवीजन मैं अपलोड करने वाला हूँ डिजिटल स्क्रीन पर। ठीक है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वगैरह सब डिस्कस करूंगा DSTL को लेकर के, तो यहां पर आप जाकर के सारा कंटेंट देख सकते हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक का या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स DSTL का। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपके इस चैनल पर मैथमेटिक्स 1, 2, 3, 4 DSTL वगैरह सबके सब मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीजें ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसको मैं डे बाय डे डिजिटल स्क्रीन पर अपडेट भी कर रहा हूं अपने टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप जानते हैं मैं भी वर्किंग हूं तो टाइम कम मिलता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि जितना भी आपका कंटेंट है वो आपको मिल जाए, जिससे कि आप बहुत इजीली सारा सब्जेक्ट कवर कर सके। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा अपने इस चैनल को अपने जूनियर्स को बताएं और शेयर करें, और बताएं कि आप इस चैनल पर जाइए, आपको यहाँ पर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई कॉस्ट नहीं है, वीडियोज आप देखिए। ठीक है, जो भी मटेरियल सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल के लिए आपको यहाँ पर होम पेज पर सबसे ऊपर देखना है, इसमें आपको क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स और लिंक दिखाई देगा, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, या कम्युनिटी में जहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है, वहां पर जाकर के आप स्कैनर को स्कैन करके भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो भी मटेरियल होगा सब्जेक्ट से रिलेटेड वो मिल जाएगा।
जितना मेरे पास अवेलेबल है, कुछ चीजें मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं क्लियरली बोल दूंगा कि ये आपको नहीं मिल पाएगा। जितना मेरे पास अवेलेबल है वो मैं आपको इजिली टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।